नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शीतकालीन ओलंपिक के सफर में। हम पहुंच चुके हैं आठवें शीतकालीन ओलंपिक में। सौरभ की कहानी, सौरभ की जुबानी सुनते हैं आठवें ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक के संदर्भ में। सौरभ, आठवां शीतकालीन ओलंपिक ये 1960 में हुआ था, जो 18 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चला था, और इसके मेजबान देश थे अमेरिका, यूएसए, जिसका शहर था स्क्वा वैली, कैलिफोर्निया का शहर स्क्वा वैली, ठीक है। और इसका जो स्टेडियम, इस खेल का सारा खेल जो हुआ था वो ब्लिथ स्टेडियम में हुआ था, जो यूएसए में है, और इसमें कुल 30 देश हिस्सा लिए थे, 30 देश हिस्सा लिए, और एथलीटों की संख्या थी 665, जिसमें 521 पुरुष थे और 144 महिलाएँ। चार खेल से 27 स्पर्धाओं में इसका रिजल्ट दे दिया गया, और इसकी उद्घाटन के लिए जो आए थे वो थे उस समय यूएसए के उपराष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। एक मिनट सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रिचर्ड निक्सन उन दिनों उपराष्ट्रपति थे, बाद में चल करके अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। और खास बात है निक्सन की, जो उनके समय में ही वियतनाम संकट काफ़ी गहरा गया था, और वियतनाम में जो कुछ हुआ उसके लिए निक्सन को उत्तरदायी समझा जाता है। तो रिचर्ड निक्सन के साथ ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है वियतनाम वाले, है ना। और माइली हत्याकांड के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ही थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे सुनते हैं जी। अब हम बढ़े पदक तालिका की ओर। तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहे रूस, जिन्होंने कुल 21 पदक प्राप्त किए, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज था। उसके बाद दूसरे स्थान पर रहे जर्मनी, गोल्ड की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये दूसरे स्थान पर थे, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 8 पदक। उसके बाद यूएसए, जो कि मेजबान देश भी रहे हैं, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 10 पदक कुल प्राप्त किए। मैं अपने श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप जिन देशों के बारे में देख रहे हैं, रूस, जर्मनी, यूएसए, इन सबों की जो भौगोलिक बनावट है, भौगोलिक विस्तार है, इस पर अगर हम नज़र डालेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र इनके क्षेत्र में आते हैं जहां बर्फ अधिक मात्रा में मिलते हैं और ठंड प्रदेश है, इसलिए इन खेलों के लिए वहाँ एक अनुकूल दशा है, जिस कारण से रूस का बोलबाला आप इसमें देख रहे हैं। इसमें हालांकि सूची में नॉर्वे नहीं है, लेकिन नॉर्वे का काफ़ी प्रभाव रहा है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या जर्मनी हो, यूएसए के भी कई क्षेत्र इसमें आते हैं, रूस का कई क्षेत्र आता है। बोलना नहीं चाहिए हमें कि रूस में ही दुनिया का सबसे ठंड क्षेत्र, बर्खो यांस्क, जो दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है, रूस में पड़ता है। जी सुनते हैं आगे जी। अब हम 9वें विंटर ओलंपिक की बात करेंगे। सौरभ हमारे बीच में है 9वें ओलंपिक के साथ, 9वें शीतकालीन ओलंपिक में क्या कुछ हुआ, क्या खास था सौरभ? 9th विंटर ओलंपिक यह जो है 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच हुआ 1964 ईस्वी में, और इसके मेजबान देश रहे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का वो शहर था इंसब्रुक, टायरोल। इसमें जो स्टेडियम का इस्तेमाल किया गया था वो था वर्गी शेलू स्टेडियम, और इसमें कुल 36 देश सम्मिलित हुए। इन 36 देशों में अपना एक देश भारत भी था, जिसने अपने भारत ने एंट्री किया। इसके साथ ही भारत ने इस ओलंपिक में, यानी शीतकालीन ओलंपिक जो संस्करण होता है, जिसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है जी, खास पर्स था, यानी खास ओलंपिक था भारत के सेंस। कैसे कैसे भारत की एंट्री हुई इसमें? भारत ने अपने एक खिलाड़ी भेजे थे इसमें, जिसका नाम था जेरेमी बुजाकोशाकी। यह जो बुजाकोशाकी भारतीय थे जी, मतलब ये भारतीय नहीं थे, पोलैंड के थे, लेकिन 1946 में इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। पोलैंड वासी जेरेमी को भारत की नागरिकता मिलती है 1946 ईस्वी में, और नागरिकता प्राप्त करने के 18 साल बाद वो होते हैं विंटर ओलंपिक के हिस्सा बनते हैं। खास बात हमारे लिए है कि 1964 में भारत ने उपस्थिति दर्ज की जी। इसमें भारत के साथ दो और देश थे जो पहली बार इसमें उपस्थिति दर्ज की थी, वे थे उत्तर कोरिया और उसके बाद थे एक मंगोलिया। ये दोनों देश ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। उसके बाद इसमें एथलीटों की संख्या, कुल एथलीटों की संख्या हो गई 1091, जिसमें 892 मेल थे और 199 फीमेल थी। इसमें कुल 6 खेल खेले गए और उससे 36 स्पर्धाएँ कराई गई, जिसमें इसका परिणाम घोषित किया गया।
और इसकी इसका जो अति उद्घाटन हुआ उसकी उसको करने के लिए आए थे एडोल्फ सार्फी जो ऑस्ट्रिया के उस समय राष्ट्रपति थे। बात करें हम पदक तालिका की, तो इस पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा रूस, जिसने कुल 25 पदक लिए, जिसमें 11 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, जिसने 12 पदक लिए, 4 गोल्ड, 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। और तीसरे स्थान पर नॉर्वे, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। 15 पदक कुल प्राप्त हुए इसके। और इसका जो समापन हुआ वो था, वहाँ का एक स्टेडियम था ओलंपियास स्टेडियम, वहाँ इसका समापन किया गया था, वो एक इंडोर स्टेडियम था। यानी ओलंपियास में इसका समापन हुआ, आरंभ हुआ वर्गीश शेलू में, और ओलंपियास में इसका समापन था, इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह किया गया। 9वीं ओलंपिक की कहानी थी। बने रहे हमारे साथ, हम यूं ही आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे 10वें और उसके बाद के शीतकालीन ओलंपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।